सो गाइज़, अभी मैं दिल्ली में हूँ और अभी जो मौसम है थोड़ा सा खुशनुमा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि बारिश जैसा माहौल जो है आसमान में दिखता नज़र आ रहा है, और आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर बादल लगा हुआ है जिसके ऊपर से बिजली कड़क रही है। हालांकि आवाज़ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जितने दूर में बादल है उतने दूर में ही ये जो लाइटनिंग है वो आपको दिखाई दे रही हो। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप खुद इसको देखिए। पहले आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इसके सराउंडिंग का चारों तरफ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्लाउड नहीं है और वहाँ पर ना ही थंडरस्टोर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटिंग आप देख रहे हैं हो रही है। एंड आप देख सकते हैं, थोड़ी सी देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कैमरा मूव इन करूँगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं, एंड इसके सराउंडिंग में देख लीजिए, कुछ कुछ नहीं है, एकदम सब शून्य है, कुछ नहीं है, कोई 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 बादल नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसने ही स्पेस में ये आप देख सकते हैं कि इतने ही दूर में बस ये बादल है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा घना दिख रहा है, और उतने ही दूर में जो है ये चमक रहा है। तो अब इसको कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग कहें तो मिराकल कह सकते हैं, या फिर इनक्रेडिबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर अद्भुत कह सकते हैं हिंदी में अगर कहना हो तो आप देख लीजिए ये नज़ारा। हाँ, एक अनोखी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके से जितना दूर में बादल है उतना ही दूर में चमक रहा है, इसका मुझे लगता है कि ये आदमी कह सकता है कि जो चीज़ पर आप फोकस करते हैं, अगर उसी चीज़ पे आप फोकस करते रहेंगे तो चमकते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से समझा सा सकता है कि जैसे अगर आप कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है या फिर किसी जॉब को लेकर आप पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं और उसी में आप रमे पड़े हैं, तो शायद इन फ्यूचर में जाके आपका करियर उसी में सेट हो जाए। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक, मुझे लगता है, पता नहीं गलत भी हो सकता है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन मतलब अद्भुत है। और शायद मैं पहली बार ऐसा गौर किया हूँ कि ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी हुआ होगा, लेकिन मैं पहली बार इतने क्लोज से गौर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वहाँ पे फ्लाइट भी जा रही है, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है। और मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूँ तो यहाँ पे उसी दिशा से ये फ्लाइट जा रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चमकता भी नज़र आ रहा है, आप खुद देखिए। मतलब नज़ारा जो है एकदम इनक्रेडिबल हो गया, और आप देख सकते हैं कि उसके नीचे फ्लाइट जा रही है एंड वहाँ पे चमक भी रहा है। सो आई थिंक कह सकते हैं इट्स इनक्रेडिबल, बट आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट उतर रही है धीरे धीरे, लेकिन वहाँ पर जो बादल हैं वो जस के तस बने पड़े हैं, और खूबसूरत नज़ारा है, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं चमक रहा। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करके कैमरा देखते हैं तो देयर इज़ नो एनी शाइनिंग इन द अदर डायरेक्शन टू लीव दिस क्लाउडली पोजिशन। सो बहुत हो चुका है अब, लेकिन बारिश की संभावनाएं अभी तक नहीं, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन स्टिल जो है वो कहीं ना कहीं चमकता नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बल्ब है वो शायद उसका जो कनेक्टिविटी है वो छूट छूट के अटैच कर रहा है, जिसके चलते वैसी शाइनिंग आ रही है। इट्स ट्यूब लाइट, कभी डिम होता है कभी ज़्यादा लाइट हो जाता है। सो Just seen like this. React like a tube light. Yeah. So we are going to finish now. And आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार ये है क्या, और ये जो फिनोमिनन होता है ये किसके कारण होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इन अ ईजी वे इन माई कॉमेंट बॉक्स। सो जाइए और बताइए। धन्यवाद।